नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्न एक का हल करेंगे। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। देखिए हल करते हैं। पहला भाग में क्या कहा था, एक चर वाले तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है y बराबर 3, तो देखिए यह एक चर में है, ठीक है, यानी एक चर में ये पहले से दिया हुआ है। तो देखिए इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है, यानी इस प्रकार देखिए एक संख्या रेखा बना लिए, ठीक है। देखिए y बराबर 3 यानी इस बिंदु को निरूपित करेगा, ठीक है, यानी ये बिंदु y बराबर 3 इस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए दूसरा भाग, देखिए दो चर वाले तो देखिए y बराबर 3 ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए इसको दो चर इस प्रकार बना सकते हैं, यानी 0 × x यानी 0 × x प्लस y, यानी देखिए 0 को x के साथ गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी y में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी देखिए इतना और ये इतना दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए आलेख खींचने के लिए दो हल की आवश्यकता होगा, तो देखिए इसका दो हल निकाल लेते हैं। तो देखिए x y, देखिए x का मान अगर 0 रखेंगे तो देखिए y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और x का मान 1 रखेंगे तो देखिए 0 × 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0 × 1 0 होगा तो y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये दो हल प्राप्त हो गए, ठीक है, यानी देखिए पहला हल 0 × 3 यानी एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक 3, और दूसरा हल हो गया एक्स निर्देशांक 1 और वाई निर्देशांक 3, ये दो हल प्राप्त हो गया। तो देखिए इस प्रकार निर्देशांक तल्य बनाना है, ठीक है, एक्स अक्ष और ये गया वाई अक्ष, ठीक है। देखिए पहला हल क्या है, 0 × 3 यानी एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक 3, तो ये देखिए 3 एकक हो जाएगा दूरी यहाँ पर, यानी इस बिंदु को निरूपित करेगा। और देखिए x बराबर 1 और y बराबर 3, तो x की तरफ देखिए एक कदम चलेंगे 1 एकक और इधर 3 एकक, y का मान 3, तो इस बिंदु को निरूपित करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको मिला देंगे, देखिए इसको मिला देंगे, देखिए तो एक आलेख प्राप्त हो गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार एक आलेख प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी y बराबर 3, ठीक है, तो इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अंत करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं।